आते हैं, कॉमली, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, एंटोनिम क्या होगा कॉमली का गाइस, स्पेशियस है, अनअट्रैक्टिव है, ह्यूज है या फिर अनकंफर्टेबल है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, चलो जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, कॉमली का स्पेशियस है, कोई चीज अट्रैक्टिव है, ह्यूज है, अनकंफर्टेबल है, तो जिसमें स्पेस होती है दैट इज, हाँ क्रैस एंड क्रूड कर सकते हैं, हाँ स्पेशियस जिसमें स्पेस है, है ना, अनअट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिव नहीं, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, अनकंफर्टेबल जो कि कंफर्टेबल नहीं है, तो कॉमली का एंटोनिम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमली, हाँ एंटोनिम हो जाएगा कॉमली का अनअट्रैक्टिव, है ना, तो कॉमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, तो ये गाना ना नहीं मैं कमली कमली नहीं मैं कमली कमली, तो कमली जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, कमली जो है वो बहुत कॉमली है, याद कर सकते हो, ठीक है, तो कमली कमली में कौन होती है, कटरीना कैफ होती है ना, हाँ तो कटरीना कैफ जो कमली है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और एंटोनिम हो जाएगा विच इज़ नॉट अट्रैक्टिव, है ना, एंटोनिम हो जाएगा नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, वर्ड्स ही याद करना, रिलेट करना, रिलेट करके मीनिंग आ जाती है, और धीरे धीरे जब आप ट्रिक्स के साथ वोकैब करते हो ना, तो धीरे धीरे रिलेट होते होते ना वर्ड्स याद हो जाते हैं दिमाग में, फिर आप रिटेन कर लेते हो। मैम इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर, ना बेटा करंट अफेयर्स के लिए आपके पास है ना, आपके कपिल सर इतना अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़िए बिल्कुल, हाँ कॉमेट कर सकते हो, कॉमेट इज अट्रैक्टिव, या फिर कमली से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे यार, मेरे दिमाग में जो भी ट्रिक आती है मैं आपको बोल देती हूँ, है ना, तो कॉमली का मतलब होता है विच इज अट्रैक्टिव, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप कॉम करते हो, है ना, अगर आप कॉम करते हो तो आप अट्रैक्टिव लगते हो, अगर आप कॉम नहीं करते तो आप अनअट्रैक्टिव लगते हो, अगर आप बाल बनाते हो तो आप अट्रैक्टिव लगते हो, अगर बाल बिखेर के घूमोगे तो फिर जंगली लगेंगे, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चलो कॉमेंट का एंटोनिम गाइस क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमेंट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमेंट, फिनिश रिकमेंड क्रिटिसाइज या फिर रिक्वेस्ट, क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमेंट करना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना, रिकमेंड करना मीन्स किसी को सलाह देना, किसी चीज के लिए जब आप सलाह देते हैं ना किसी को दैट इज रिकमेंड करना, रिक्वेस्ट आप जानते हैं, क्रिटिसाइज मीन्स किसी को बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, हाँ तो कॉमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब हम आपको बोलते हैं ना कॉमेंट करना, कॉमेंट मतलब आप यहाँ पे पॉजिटिव ही बोलोगे, एक्सपेक्टेड तो ही होता है, तो कॉमेंट मीन्स प्रशंसा करना, है ना, कॉमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और एंटोनिम हो जाएगा किसी को क्रिटिसाइज करना, एंटोनिम हो जाएगा किसी को बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा किसी को बुरा भला कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, कंडेंस्ड का एंटोनिम गाइस क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंडेंस्ड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंडेंस्ड, स्वर्णिम अंकुश सुबोध फिरोमी उत्कर्ष गुजर कुमारी ट्रिकी सौरभ ज्योति, ओके ग्रेट, चलो बताओ कंडेंस्ड का एंटोनिम क्या होगा, कंसेंट्रेटेड इनवाइगोरेटेड एक्सपैंडेड या फिर लेंथन, लेंथन मीन्स किसी की अच्छी खासी लेंथ है, बड़ा है, लॉन्गेटेड है ना गाइस, लेंथन और एक्सपैंडेड ऑलमोस्ट सेम है कि कोई चीज़ अच्छी खासी लेंथ है, लंबा चौड़ा, इनवाइग्रेटेड का मतलब होता है आपको एनर्जेटिक करना, है ना, इनवाइग्रेटेड मीन्स एनर्जेटिक होना, एनर्जी से भर देना, कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है जैसे आपका ये वर्ड आपने मैं बताऊँ यहाँ तो ज़रूर सुना होगा, कंडेंस्ड, कंडेंसेशन सुना है ना, कंडेंसेशन, कंडेंस्ड मिल्क सुना होगा आपने, कंडेंस्ड मिल्क है ना, किसको कहते हैं, रबड़ी को कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, पता है आपको, रबड़ी जो होती है क्या होती है, जब आप दूध को चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं तो वो धीरे 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 कम होती जाती है ना, तो वो दूध धीरे धीरे कम होके उसका पूरा वो इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है ना गाइस, कंडेंस हो जाता है, अब समझ में आ गया कंडेंस का मतलब होता है शॉर्ट हो जाना, है ना, इसका एंटोनिम क्या होगा, अब दो हैं एक्सपैंडेड या लेंथन, अब यहाँ पे कंडेंस्ड में मैं लेंथ की बात तो नहीं करूँगी, तो मैं बेहतर करूँगी कोई चीज़ आपने एक्सपैंड कर दी है ना,
एक्सपैंडेड है, कोई चीज़ एक्सपैंड हुई है, लेंथ की सिर्फ बात है, किसी भी तरह से एक्सपैंडेड ब्रेथ भी हो सकती है, लेंथ ब्रेथ दोनों तरह से है ना। तो हाँ, सिकुड़ना, कंडेंस करना है, सिकुड़ना। देखो हिंदी के वर्ड्स अपने, आप इंग्लिश के वर्ड्स को अपने हिंदी के वर्ड से रिलेट करके सीखोगे तो याद होगा। अगर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी है ना, ये आपको डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। सो यू डोंट, यू कैनॉट लर्न योर वोकैबुलरी बाय जस्ट मगिंग अप मगिंग अप मगिंग अप। आपको जैसे कि एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, आपको रीडिंग में भी उन वर्ड्स को सुधारना है और उसको रिवाइज करना है ना, रीड करते जाना है रेगुलर बेसिस पे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली रिलेट करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम ईडियम्स करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में, बैंकिंग में ईडियम्स भी आ जाते हैं है ना। ओके, तो इन तो हम लोग अभी करेंगे क्विकली ईडियम्स, ठीक है जी। इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड फॉर गुड्स इज ऑन द वेन। ओके, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड्स फॉर गुड्स इज ऑन वेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम ऑन द वेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम ऑन द वेन? What is the meaning of this idiom on the wane? On the rise, on the decline, out of control, या फिर at the peak. What is the meaning of on the wane? Okay, on the risk, on the decline, out of control, या फिर at the peak. On the wane का मतलब होता है कोई चीज, in the times of demand for goods. अब recession, आप relate करके बोल दो, recession का time है, डिमांड्स कैसी हो जाती हैं, डिमांड्स राइज नहीं, बढ़ती नहीं है, डिमांड्स कम होने लगती है। तो ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। ओके, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, रिड्यूस हो रही है, दैट इज़ ऑन द वेन। गाइस सेशंस को लाइक कर दो प्लीज़, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 23.9 देख रहे हैं, जल्दी से 24 कर देते हैं उसको है ना, जल्दी से 24 कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्लाइन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग गाइस। दैट इज़ यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स फॉर योर अर्लियर कर्टनेस। कर्ट मीन्स वन इज़ वेरी रूड है ना, रूड होना। यू मस्ट सीज का मतलब होता है छीन लेना है ना, या जकड़ लेना, क्रैश कर लेना। यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी, ये भी आपका एक ईडियम है। सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है उसको, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना देना, पकड़ लेना, जब मौका आए तो उसको गंवाना नहीं, ठीक है। तो यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स फॉर योर अर्लियर कर्टनेस। तो मेक अमेंड्स फॉर, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? टू करेक्ट अ मिस्टेक, टू गिव अ सजेशन, ओके, टू मेक अ प्रपोजल, या फिर टू ऑफर अ डील। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे। You must seize the opportunity to make amends for your earlier cutness. To amends for का मतलब होता है what? Guys, to correct a mistake. To amends for का मतलब होता है mistakes को ठीक करना, correct करना। Amends का मतलब होता है तुम्हें अपनी amends करना। Amend का मतलब, amend का मतलब ही होता है mend करना। Mend means ठीक करना है ना, तो किसी चीज़ को ठीक करने को हम कहते हैं amend करना। To make amends का means आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। लिटिल बाय लिटिल, मैम आपको रात क्लास, आज रात को है ना आपकी वो, आपका एरर्स की तो सीरीज चल ही रही है, एरर की सीरीज तो चल ही रही है आपकी, 1000 एरर की सीरीज है ना। हम उसमें आज पार्ट 7 करेंगे, पार्ट 6 पार्ट 7 करने वाले हम आज, हाँ करेंगे, ठीक है। चलो, लिटिल बाय लिटिल का मतलब गाइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom? लिटिल बाय लिटिल, अ फ्यू नॉट मच, ओनली वंस, या फिर ग्रेजुअली। लिटिल बाय लिटिल क्या होगा, वर्ड्स आज बहुत शॉर्ट नहीं हो गए, छोटी पॉइंट कम हो गए ना आज। हाँ, क्लास होगी अमोल, रात को होगी। लिटिल बाय लिटिल मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे। तो कोई काम धीरे धीरे होने को हम कहते हैं लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। कोई काम धीरे धीरे होने को हम कहते हैं लिटिल बाय लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ ड्राई रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom? अ ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब गाइस क्या होता है? अ रिहर्सल, अ रन ऑन ड्राई ग्राउंड, अ स्लो रन, या फिर अ पुअर हार्वेस्ट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्राई रन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्राई रन? ड्राई रन का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई रन? रिहर्सल होती है, रन ऑन ड्राई ग्राउंड होता है, स्लो रन होता है या पुअर हार्वेस्ट होता है? What is the meaning of dry run? Dry run का मतलब क्या होगा? Dry run का मतलब होता है किसका आंसर? कोई A कह रहा है, कोई C कह रहा है, कोई D कह रहा है. A poor harvest. Pankaj, Fericom, Anki, हाँ, काफी लोग tree कह रहे हैं. हाँ, dry run का मतलब होता है बेटा rehearsal, है ना? Dry run मतलब बिना, मतलब जब आप कोई चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं उसके पहले की जो रिहर्सल होती है उसे हम ड्राई रन कहते हैं. इट्स नॉट डी, इट्स ए. इट्स नॉट डी. ड्राई रन का मतलब जैसे कि आप कोई परफॉर्मेंस करने वाले हैं, गाना गाने वाले, डांस करने, जो आप मॉक्स करते हैं उसको भी बोल सकते हैं दिस इज अ ड्राई रन. आप जो मॉक टेस्ट देते हो ना वो भी आपका एक तरह से ड्राई रन ही है, रिहर्सल है, है ना? तो किसी चीज़ की रिहर्सल को हम कहते हैं ड्राई रन. ठीक है, अब याद रहेगा सुबोध, बसंत, ट्रिकी, एम, फैम, फेयरिम, फेरोमी, पंकज. ओके, अब याद रहेगा कि ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना. ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. कॉल ऑन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम कॉल ऑन? कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? अनाउंस विद अ स्टेप आउट या फिर टेलीफोन. स्वर्णम, एम, ट्रिकी, बसंत, सुबोध, उत्कर्ष. ओके, कॉल ऑन का मतलब क्या होगा? अनाउंस करना किसी चीज़ को, कहीं पे विजिट करना होता है. हाँ, स्टेप आउट करना होता है. स्टेप आउट मीन्स एक आपका फ्रेजल है, मीन्स छोड़ देना. स्टेप आउट मीन्स बाहर निकल जाना या फिर क्विट कर देना. और टेलीफोन तो आप जानते हैं. कॉल ऑन का मतलब क्या होगा? कोई ए कह रहा है, ट्रिकी ए, अंजलि विजिट, पुनीत विजिट, कुमारी विजिट, आर ए, अनाउंस करना. तो सबके ए भी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. क्या हो जाएगा गाइस? तो कॉल ऑन का मतलब होता है, देखो कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पे विजिट करना थोड़ी देर के लिए, है ना? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कहीं जाना, थोड़ी देर के लिए विजिट करना. थोड़ी देर के लिए विजिट करना इस, करना इस आपका कॉल ऑन, है ना? थोड़ी देर के लिए कहीं जाना इस आपका. लुक आउट, लुक आउट फ्रेजल्स है ना. लुक आउट का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट करना, सर्च करना, लोकेट करना या फिर बी केयरफुल होना. क्या आंसर आएगा? लुक आउट का मतलब गाइस क्या होगा? फाइंड आउट करना होता है, सर्च करना होता है, लोकेट करना होता है किसी चीज को या फिर केयरफुल होना होता है. ओके, थैंक यू सो मच अमोल. फाइंड आउट मीन्स सर्च करना, फाइंड आउट मीन्स ढूंढना, है ना? फाइंड आउट मीन्स पाना. आई एम सॉरी, फाइंड आउट का मतलब पा लेना, मीन्स आपने ढूंढ लिया है. सर्च मीन्स ढूंढना होता है, लोकेट करना again and be careful. तो look out का मतलब क्या होता है? look out. okay, look out. सुबोध says B, पुनीत says search, अमूल says A. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. राहुल शर्मा, अमूल, गाइज आपके ऑफर का ना आज लास्ट डे है. आप कोड लगाइएगा जरूर, परी 10 PARI 10. इस कोड को लगा के अन अकेडमी ज्वाइन करोगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा 20% का. हाँ, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा. दूसरी चीज, आपको 12 मंथ्स पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और 6 मंथ पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन के. ठीक है, आज लास्ट डे है. 31st इज योर लास्ट डे. 31st जनवरी आपका लास्ट डे है इस ऑफर का. ठीक है, याद रखिएगा. फाइंड आउट, सॉरी, लुक आउट का मतलब क्या होगा? लुक आउट का मतलब क्या होगा? अंजलि सेज बी केयरफुल, बी को लॉक किया जाए. प्यारी, ओके. क्या यार, तुम लोग मीम्स के कुछ ज़्यादा फैन नहीं हो. लुक आउट, देखो लुक इनटू का मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, है ना? इन्वेस्टिगेट करना. ओके, लुक फॉर का मतलब होता है
सर्च करना, लुक फॉर मीन सर्च करना, और लुक, ठीक है, लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक है। तो लुक इनटू का मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है, अच्छा एक और है आपका जो काफी यूज होता है, लुक आफ्टर का मतलब, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना। ठीक है, तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है, ओके। लुक फॉर मीन्स सर्च करना होता है, लुक आउट मीन्स केयरफुल होना होता है, और लुक आफ्टर का मतलब ध्यान देना होता है, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक है, लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, ओके। चलिए आगे मूव करें। गाइस आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर रख लिया है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले, और मेरे साथ साथ और भी टीचर्स आने वाले हैं इस चैनल में जो आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिव अ हैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom, गिव अ हैंड, असिस्ट करना, इनकरेज करना, क्लैप हैंड्स, या फिर डोनेट एन ऑर्गन, क्या होगा गाइस? डोनेट एन ऑर्गन आप जानते हैं, दे देना, क्लैप हैंड्स, ठीक है, स्लो क्लैप्स, गिव इनकरेज करना होता है, हाँ, या फिर असिस्ट करना होता है, वाह वाह बेटा वाह, क्या शायरी लिखी है। नहीं बेटा वापस आ गए, आप लोगों का प्यार वापस खींच ले आया। मैम आपकी इंग्लिश रीडिंग क्लास मैंने आज देखा, बहुत यूज़फुल है इंग्लिश रीडिंग, अच्छा मेरे चैनल पे जो चल रही थी इंग्लिश विद परनीत में, ओके। तो गिव मी अ हैंड का मतलब होता है, बोलते हैं यार साथी हाथ बटाना, बढ़ाना, है ना, साथी हाथ बटाना, है ना, हाथ बटाना बोलते हैं ना, हाथ बटाना मीन्स हेल्प करना किसी को, असिस्ट करना किसी को, आप उसके काम में हेल्प करना, दैट इज गिव अ हैंड, ठीक है। गिव अ हैंड का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, ठीक है, किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, ओके, दैट इज गिव अ हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom, स्पीक वंस माइंड, ओके। टू पुट वंस थॉट इन राइटिंग, टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, टू स्पीक इन एन असेंबली, असेंबली में बात करना, या फिर टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली, मतलब अपनी बात को सिंपली रखना, है ना, क्या होगा आपका आंसर? स्पीक वंस माइंड। चलो क्या आ जाएगा, स्पीक वंस माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom, स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है आपके, गाइस काफी लोगों का आंसर है, ओके, हाँ, स्पीक वंस माइंड का मतलब तो जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है वैसे बोल देना, जो जैसा चल रहा है वैसे बोल देना, प्लेनली, है ना, तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वैसा उसको बता देना है, स्पीक वंस माइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब क्या होगा? टू रिडिकुलस, रिडिक्यूल समवन, रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, दैट इज रिडिक्यूल समवन, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना रिडिक्यूल समवन, टू हैव अ वेरी शार्प ईयर्स, बहुत तीखे कान होना, मतलब ना बहुत तेज होना कान, तीखे मतलब तेज होना कान, बहुत हियरिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होना, ठीक है। To smile a lot because of happiness, ये तो पता है, to make funny faces, या फिर funny faces, stupid faces बनाना, जैसे comical होना, है ना, तो grin from year to year का मतलब क्या होगा? कर रहे हो तुम पढ़ाई क्योंकि मैम दे रही है छूट, और जो ना करे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर उसको वाह बेटा वाह, उसको
उसके भूत. ग्रेट. हाँ, तो स्माइल ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब, ग्रिन का मतलब स्माइली होता है, मतलब एकदम यहाँ तक स्माइल चले जाना, है ना, जोकर वाली. ठीक है, तो ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीन स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से बहुत ज़्यादा स्माइल करना. जब हम बहुत खुश होते हैं ना, अपने आप ही चेहरे में स्माइल आती रहती है, बिना बात के स्माइल करते हो, कहीं सीरियस जगह खड़े हो, सोच रहे हो, स्माइल आ रही है, है ना. तो ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग ऑन थिन आइस. वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? स्लिपिंग ऑन आइस, है ना, आइस में स्लिप हो रहे हो, गए हो मनाली शिमला तो स्लिप हो गए. परफॉर्मिंग अ बैले, है ना, बैले करना. डूइंग समथिंग रिस्की, कोई चीज़ बहुत रिस्की काम कर रहे हो, या फिर वॉकिंग वेरी केयरफुली, बड़ी केयरफुली आप कोई कार्य कर रहे हो, क्या होगा गाइस? वॉकिंग ऑन थिन आइस. वॉकिंग ऑन थिन आइस क्या आंसर आएगा, चलिए बताएंगे. तो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब, कोई कह रहा है सी, सुबोध, राहुल, सुबोध, स्वर्णम. ओके, तो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है कोई रिस्क. अब थिन आइस पे आपको पता है ना, ग्लेशियर्स वगैरह जम जाते हैं, है ना, जैसे रिवर वगैरह ठंड में आप जाएंगे ना कश्मीर इस तरफ में, तो आप रिवर जम जाएंगे, मगर उस पर चलना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि थिन होती है ना आइस, अगर आप वो टूटी और सीधा नीचे और इतना ठंडा पानी होता है, है ना, तो दैट इज़ वॉकिंग ऑन थिन आइस, समथिंग विच इज़ रिस्की, डिफिकल्ट, है ना. तो कोई चीज़ आपके लिए रिस्की है, दैट इज़ वॉकिंग ऑन थिन आइस, कि अगर आप थिन आइस पे चलोगे तो कभी भी टूट सकती है, और आप नीचे अंदर चले जाओगे और भाई, और सीधा पूरे रिवर के अंदर, क्योंकि पूरी पूरी रिवर सूख जाती है ना, तो सूख नहीं जाती, जम जाती है, जम जाती है, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वंस बिटन ट्वाइस शाय. ओके, वंस बिटन ट्वाइस शाय का मतलब क्या होता है? अ बिटर एक्सपीरियंस, ठीक है, वे मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको फ्यूचर के लिए मतलब सतर्क करता है. कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, कॉशियस का मतलब होता है जो आपको सतर्क करे, ठीक है. एन इंसेक्ट बाइट दैट लीव्स अ परमानेंट मार्क, तो इंसेक्ट का कोई बाइट जो आपको जो परमानेंट मार्क लीव कर दे. टू बी शाय ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स, मीटिंग स्ट्रेंजर्स से मीट करने के लिए शाय होना, घबराना. अ पर्सन विथ नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ पर्सन जिसका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है. तो वंस बिटन ट्वाइस शाय का मतलब क्या होगा? डिफिकल्ट आएगा मयंक, अभी तो आज स्टार्ट किया है, है ना, धीरे धीरे आप लोगों के लिए क्लासेस आएंगी तो मैं लेवल अप करूंगी, पहले तो स्लो से ही लेकर चलूंगी, राइट. तो वंस बिटन ट्वाइस शाय मतलब कि अगर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हो और आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहता है, तो बोलते ना क्या, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मतलब आपने कुछ ऐसा बेटर एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आप हर बार बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं. दैट इज नोन एज वंस बिटन ट्वाइस शाय, ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड. नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड क्या आएगा? ठीक है, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड क्या होगा? टू कॉपी अनदर स्ट्रेट सीक्रेट, टू बी अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, ओके, टू हिट समवन विद द बैक ऑफ वंस हैंड, या फिर टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की आपको डिटेल्ड नॉलेज होना. थैंक यू सो मच मैम, आप अच्छा पढ़ाते हो विथ अच्छा अच्छे कॉन्टेंट. थैंक यू सो मच स्वर्णम जी, सेशन में रेगुलर आइएगा और मैं आप लोगों को और बेहतर कॉन्टेंट लेकर आऊँगी धीरे धीरे आप लोग, ठीक है. थैंक यू सो मच बेटा. ओके, तो नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, ओके, इसका मतलब होता है हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ की पूरी डिटेल्ड नॉलेज होना, पूरी गहरी समझ होना, उसे हम कहते हैं नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड. नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड. तो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. आपका सेशन आज 10 बजे तो होगा ही, एरर का सेशन 10 PM पे. आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, और दूसरी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक आपने अभी तक कम किए हैं, जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक ज़रूर कर दो, बिकॉज दिस इज़ आर मोटिवेशन फॉर एजुकेटर्स के लिए. लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस, एंड यूज़ द कोड परीटन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ऑफर, ठीक है, इसको अप्लाई करें क्योंकि तो आज आपका लास्ट है. थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर.